हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे से होंगे माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ सीएस ट्रेनर खान शौकत अगर आप इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो आज हम अपने कंप्यूटर का मैराथन सेशन सेकेंड करेंगे और आज के लेक्चर में हम फिर से हंड्रेड क्वेश्चन को टारगेट में रखेंगे और ये हंड्रेड क्वेश्चन फिर से आपके जेके पी एस आई एफ डब्ल एंड वी एल डब्ल्यू एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे तो चलिए हम शुरू करेंगे आज का सेशन स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योर ई मेल्स आपको बताना है गिवन आर द फोर ऑप्शन इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करते हैं ई मेल्स को सिक्योर करने के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज पीजीपी और इसकी फुल फॉर्म क्या आती है दैट इज प्रेटी गुड प्राइवेसी ठीक है और बाकी ऑप्शंस की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बताना है गिवन ऑर द फोर ऑप्शन इनमें से कौन सी एग्जाम्पल आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज ऑल ऑफ द अबाव ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स ये सारे के सारे क्या हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में मदर बोर्ड कंसिस्ट्स ऑफ आपको बताना है कि मदर बोर्ड पे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं सीपी होता है रैम भी होती है बेसिक इनपुट आउटपुट चिप भी होती है एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होते हैं इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी आपको बताना है इनमें से किसको माना जाता है फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज रिचर्ड स्टॉलमैन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली ऑपरेट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू द यूजर्स एज वेल एज अदर सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट ऑपरेट स्मूथली आपको बताना है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा होता है कंप्यूटर हार्डवेयर पे और जो यूजर्स को बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करके देता है और साथ ही साथ बाकी सॉफ्टवेयर को स्मूथली रन करने के लिए भी हमें हेल्प करता है आपको बताना है उस सॉफ्टवेयर का नाम ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर आपको बताना है फोर ऑप्शन इनमें से कौन सी ऑप्शन हार्डवेयर डिवाइसेज की कैटेगरी में नहीं आता है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस क्या है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में वट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई सी टी आपको बताना है आई सी टी की फुल फॉरम क्या है राइट आंसर विल बी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं पास्क लाइन इज आल्सो नोन एज आपको बताना है कि पास्क लाइन का दूसरा नाम क्या है एडिंग मशीन अर्थमेटिक मशीन बोथ ए एंड बी नीदर ए नॉर बी सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ ए एंड बी एडिंग मशीन का नाम था पास्क uh, का दूसरा नाम एडिंग मशीन था और इसी का एक और नाम था दैट वॉज अर्थमेटिक मशीन और इसको किसने डेवलप किया था पास वॉज ये पॉइंट भी आप याद रखोगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेटाबेस सॉफ्टवेयर आर एग्जांपल्स ऑफ डैश आपको बताना है वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस जो है ये किसकी एग्जांपल्स हैं ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इन टू डैश जनरेशन आपको बताना है कि कंप्यूटर्स को हमने कितनी जनरेशन में क्लासिफाई करके रखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज फाइव जनरेशन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डायरेक्ट एक्शन वायरस इज ऑल्सो नोन एज आपको बताना है डायरेक्ट एक्शन वायरस का दूसरा नाम क्या है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज नॉन रेसिडेंट वायरस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताना है गिवन और द फोर ऑप्शन इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स की कैटेगरी में नहीं आता है ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज विंडोज़ क्या है एक प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर है ना कि ओपन सोर्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन आपको बताना है एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन जो है इनको किसने इन्वेंट किया था ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट्स चार्ल्स बेबिच और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को माना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए हॉलरिथ ने क्या डेवलप किया था चलो मैं यही पे बता लेता हूं इसने पंच कार्ड टैबलेशन मशीन को इन्वेंट किया था बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हाउ कैन वी एग्जीक्यूट द मशीन लैंग्वेज आपको बताना है कि मशीन लैंग्वेज को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिकॉज मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस और जीरोज एंड वंस को हमारा सीपी यू डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज इट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाई सी पी यू नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं वट इज द फुल ऑफ डी एस एल आपको बताना है डी एस एल की फुल फॉर्म क्या है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डैश इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ सिस्टम इज एबल टू डू पर यूनिट टाइम आपको बताना है जो हमारा कंप्यूटर पर यूनिट टाइम काम कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज थ्रू बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर आपको बताना है गिवन द फोर ऑप्शन इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज गूगल गूगल क्या है एक सर्च इंजन है ना कि वेब ब्राउजर ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन एमएस पॉवर पॉइंट टू आपको बताना है एमएस पावर पॉइंट टू में हम अपनी स्लाइड को कितना मिनिमम जूम कर सकते हैं या मैक्सिमम ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज टेन एंड फोर हंड्रेड परसेंट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डैश इज अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आपको बताना है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज लेजर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में लाइनेक्स लॉन्च इट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द ईयर आपको बताना है लाइनेक्स ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम किस साल में लॉन्च किया था ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज 1991। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर द कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको बताना है गिवेन थ्री ऑप्शंस ऑप्शन इनमें से कौन कौन सी कंप्यूटर की एप्लीकेशन है डेटा प्रोसेसिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सो द राइट आंसर मेंशन ऑफ कंप्यूटर्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में रेजोल्यूशन इज एक्सप्रेस इन डैश आपको बताना है कि रेजोल्यूशन को हम किस में एक्सप्रेस कर लेते हैं रिजोल्यूशन मतलब हो गया नंबर ऑफ पिग्जल कितनी है horizontally and vertically. इसको हम express करते हैं ऑप्शन नंबर बी पर इंच बताना है कि वायरस की फुल फॉर्म क्या है सो द राइट आंसर विल बी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में वट वॉज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हम किन चीजों का इस्तेमाल करते थे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज वैक्यूम ट्यूब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड डैश एंड हैज एन एक्सटेंशन डैश आपको बताना है कि एक्सल फाइल को हम क्या बोलते हैं और उसकी एक्सटेंशन क्या होती है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इज फाइल को हम बोलते हैं वर्कबुक और उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट एक्स एल एस और डॉट एक्स एल एस एक्स ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डैश चेक्स द बेसिक सिस्टम डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड रैम एंड एच डी डी आर प्रेजेंट एंड वर्किंग प्रॉपरली ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम चेक कर पाते हैं क्या हमारी रैम प्रेजेंट है कीबोर्ड प्रेजेंट है हार्ड डिस्क प्रेजेंट है और क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं सेल्फ ऑन पावर टेस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में वट इज द फुल फॉर्म ऑफ जी पी एल आपको बताना है जी पी एल की फुल फॉर्म क्या है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज जनरल पब्लिक लाइसेंस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में द डायर जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर स्लो ह्यूज एंड एक्सपेंसिव आपको बताना है कि किस जनरेशन के कंप्यूटर्स स्लो थे बड़े भी थे और एक्सपेंसिव भी थे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज फर्स्ट जनरेशन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में इन विच ऑफ कंप्यूटर आपको बताना है कि हम किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखते हैं अपने कंप्यूटर्स में ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज बाइनरी फॉर्म लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोटोशॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ आपको बताना है कि फोटोशॉप किसकी एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैच द फॉलोइंग आपको इनको क्या करना है मैच कर लेना है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हम इस्तेमाल कर लेते हैं इनमें से याहू क्या है ये एक सर्च इंजन है तो ये ऑप्शन नंबर टू के साथ मैच हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है ये एक वेब ब्राउजर है ये इसके साथ मैच हो जाएगा और इसी पैटर्न पे एंटीवायरस कौन सा है यहां क्विक ही इसके साथ मैच हो जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम हम कौन सा इस्तेमाल कर लेते हैं दैट इज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इसके साथ मैच हो जाएगा सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम मैच हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ एंड सो ऑन ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इज कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर बिट आपको बताना है गिवन और द फोर ऑप्शंस इन में से किस मेमोरी का कॉस्ट पर बिट सबसे ज्यादा हाई होता है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज रजिस्टर्स ठीक है मेमोरी हायरार्की में मैंने आपको इससे पहले भी बता के रखा हुआ है दैट इज टॉप पे आते हैं रजिस्टर्स फास्टेस्ट मेमोरी में उसके बाद आती है हमारी कैश उसके बाद आती है रैम और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ठीक है devices, ना सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम बोलेंगे ओके okay, और कॉस्ट पर बिट जितना हम ऊपर जाते हैं हायर जाते हैं हायर में कॉस्ट पर बिट क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है और जितना हम डाउन जाते हैं मेमोरी हायर में उतने इन मेमोरीज uh, की साइज जो है वो क्या बढ़ जाती है काफी ज्यादा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में वट इज द फुल एस सी आई आई आपको बताना है कि आस्की की फुल फॉर्म क्या है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर के बारे में वॉज यूज इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपको बताना है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हम किसका इस्तेमाल कर लेते थे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज ट्रांजिस्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आपको बताना है कि हम सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किन एरियाज में कर लेते थे या कर लेते हैं वेदर फोरकास्टिंग क्वांटम मैकेनिक्स ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज ऑल ऑफ द अबाव फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन तीनों जगहों पे हम क्या करते हैं सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी के बारे में वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन हेक्सा डेसेमल नंबर सिस्टम इज डैश रेडिक्स को हम क्या बोलते हैं सिंपली बेस ठीक है आपको बताना है ऑप्शन right okay? और डेसेमल नंबर सिस्टम में बेस कितनी होती है टेन ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस कितनी होती है एट और बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस कितनी होती है टू ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में द सर्किट यूज टू स्टोर वन बिट ऑफ डेटा इज नोन एज डैश आपको बताना है उस सर्किट का नाम जिसमें हम खाली एक बिट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वॉज आपको बताना है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज क्रीपर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अ डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर एम ओवर विच ए मैसेज ट्रेवल्स आपको बताना है फिजिकल पाथ का नाम जिसके ऊपर से हमारी मैसेज ट्रेवल कर रही होती है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज मीडियम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में वट इज द इमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जी मेल आपको बताना है कि जी मेल में हम मैक्सिम अटैचमेंट साइज कितना रख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज ट्वेंटी फाइव एम बी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में इन इंटरनेट द टर्म डब्ल्यू 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 द फोर्थ डब्ल्यू स्टैंड फॉर आपको बताना है सबसे पहले अगर हम डब्ल्यू 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 की फुल फॉर्म लिखेंगे वॉट इज दैट दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब वर्म ठीक है आपको बताना है कि फोर्थ डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ट दैट इज वर्म ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बताना है गिवन और द फोर ऑप्शन इनमें से कौन सी एग्जाम्पल आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज एम एस वर्ड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री के बारे में वट वॉज यूजड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में हम किन चीजों का इस्तेमाल कर लेते थे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट जिनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं आईसी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं द मेथड ऑफ कॉम्युनिकेशन इन विच अ ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बोर्ड डायरेक्शन एट अ टाइम इज आपको बताना है वो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है जहां पे हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में एट अ टाइम उसको हम क्या बोलते हैं फुल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ठीक है Full, duplex, right अगर ये सेंडर है और ये ये रिसीवर है अगर डेटा खाली एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स मेथड अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है ये डेटा यहां से सेंड कर रहा है जब ये डेटा सेंड कर रहा है तब यहां से डेटा फ्लो नहीं हो सकता यानी कि डेटा बो ड में अगर फ्लो करेगा लेकिन ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम तो उसको हम बोलते हैं हाफ डोप्लेक्स अगर हमारा डेटा दोनों डायरेक्शन में कभी भी फ्लो करेगा उसको हम क्या बोलते हैं फुल डोप्लेक्स और इनको हम क्या बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन मोड्स ठीक है इनको हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन मोड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव के बारे में फॉलोइंग ऑप्शन टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेज फ्रॉम सर्वर आपको बताना है कि वेब सर्वर से पेजेस को रिक्वेस्ट करने के बाद उनको डिस्प्ले किया जाता है आपकी स्क्रीन पे उस पर्पस के लिए हम किन चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज वेब ब्राउजर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स के बारे में कंप्यूटर प्रोग्राम ट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इंटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड इज कॉल्ड आपको बताना है उस कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम या सिंपली आपको बताना है उस सॉफ्टवेयर का नाम जो कि हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एट अ टाइम ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज कंपाइलर कंपाइलर क्या कर लेता है हमारे पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है इन वन गो ठीक है इंटरप्रेटर क्या करता है हमारे प्रोग्राम को यह भी कन्वर्ट कर लेता है मशीन लैंग्वेज में लेकिन लाइन बाय लाइन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर ओपन सोर्स इंटरनेट ब्राउजर्स आपको बताना है गिवन और द फोर ऑप्शन इनमें से कौन कौन सा आता है ओपन सोर्स ब्राउजर ऑप्शन ए इज ऑप्शन बी इज क्रोमियम ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज बोथ ए एंड बी मोजिला फायरफॉक्स एज वेल एज क्रोमियम दे आर बोथ ओपन सोर्स ऑफ़ ब्राउजर्स ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट के बारे में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनाइक आपको बताना है ई एन आई ए सी की फुल फॉर्म क्या है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर वॉज डेवलप्ड बाई द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन आपको बताना है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर ऐसा है को डेवलप किया था एनसीएसए ने आपको यह फुल फॉर्म भी याद रख लेनी है एनसीएसए की फुल फॉर्म क्या है दैट इज नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशनों इन्होंने कौन सा वाला वेब ब्राउजर डेवलप किया था ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज मोसैक बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्पाइवियर ऑल्सो कॉल्ड आपको बताना है कि स्पाइवियर का दूसरा नाम क्या है स्पाइबाउट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर बोथ ए एंड बी नीदर ए नॉर बी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज बोथ ए एंड बी स्पाईवियर्स का दूसरा नाम क्या आता है स्पाई बॉट्स और इसी का एक और नाम आता है दैट इज ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर